बिहार की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है जो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है वो अब शादी के बंधन बंधने जा रहे हैं। हमारे साथ उनके छोटे मामा हैं सुभाष यादव जी। सुभाष यादव जी, कैसा लग रहा है आपके जो छोटे भांजे हैं तेजस्वी जी, उनकी शादी होने वाली है, हरियाणा की लड़की है, उनसे शादी होने जा रही है, क्या कहेंगे? अंशु जी, ऐसा है अभी तो हमको पता नहीं है जो शादी कब है कब नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं तो शादी के जब तेजस्वी हमारे भगना है कर रहे हैं जी, उनको ढेर सारी शुभकामना बधाई धन्यवाद। आपने जीवन साथी चुनकर अच्छे से दोनों व्यक्ति दोनों परिवार एक रहे और आगे बढ़े, यही हम लोग का शुभकामना है और ढेर सारी बधाई है। नहीं सुभाष जी, यहाँ पे मतलब कुछ कुछ सवाल लेंगे, जायज है क्योंकि जब आप एक मामा भी हैं और इसके बाद आप एक राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं तो कुछ चीजें आपसे जानेंगे भी। लेकिन जो शादी है वो शादी के बारे में जो है ये बताया जा रहा है, जो लड़की जो है जो कुल है तेजस्वी यादव जी का, यादव कुल से लड़की नहीं है, लड़की हरियाणा की है, और बताया ये जा रहा है जो क्रिश्चियन जो है समुदाय से आते हैं, तो मतलब इस बातों को लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, अंतर जातीय अंतर धर्म से जो शादी होती है बहुत अच्छी होती है। जो पुराना संबंध रहता है उसको कोई निभाता है तो उसको शुक्रिया करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। ये अपने शुरुआती दौर में जो व्यक्ति मिला तो उसमें कोई जात पाता कोई धर्म नहीं देखना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा दिल वाला जो व्यक्ति होता है वो धर्म परिवर्तन या जाति से अलग होकर शादी करता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा कदम उठाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा शुभकामना है दोनों जोड़ी सलामत रहे, यही मेरी अच्छा है, धन्यवाद। एक समय था सुभाष जी जब आप तेजस्वी यादव को गोद में खिलाते होंगे, और एक कई इंटरव्यू में आपने कहा है जो लालू प्रसाद यादव के आप सहायक रूप में रहा करते थे शुरू से ही, तो आज कल सगाई है तो आप लोग को कोई पारिवारिक निमंत्रण या किसी कल जाने की संभावना है? नहीं, अभी तो कोई सूचना भी नहीं है, न जानकारी है जिस क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो बात नहीं, तो आपके माध्यम से हमको पता अभी चल रहा है। बाकी ऐसा कोई सूचना नहीं है, अब ऐसा सूचना होगा तो उन लोग के ऊपर है ना, किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, किसको इनवाइट करेंगे किसको नहीं करेंगे, उसमें मेरा कोई अति नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। लेकिन 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 आपको ऐसा है जो भाई निमंत्रण मिलेगा तो जाके भांजे को जो है शुभकामना देंगे, है ना? हाँ, आशीर्वाद तो परमानेंट आदमी देता है, भांजा है तो भांजा जब ले मेरा सांस है तब ले आशीर्वाद देते रहेंगे। अच्छा, लेकिन लेकिन ये बताइए जो इतना सब कुछ करीब होने के बाद, लेकिन आज अगर आप दूर रहते होंगे तो कहीं ना कहीं चीज को तो मिस करते होंगे, बातों को मिस करते होंगे? नहीं नहीं, कोई कुछ कोई तरह के मिस नहीं है। आदमी देखिए, जीवन में हर तरह के चढ़ाव उतराव आता है, क्या मिसिंग करेगा आदमी, को प्राण निकल जाता है तो 2-4, 10 दिन 16 दिन जो प्रक्रिया है उसी में भूला जाता है काम करते करते। तो ये तो परंपरा है, एक दूसरे को छोड़ना एक दूसरे को भुलाना, इसलिए वैसा कोई मिस नहीं है, कोई बात नहीं है। बीच में कई ऐसे लोग आ गए हैं जो बीच में रह करके ही आप दोनों आदमी को मतलब आप दोनों परिवार के बीच में वो है, ऐसा लगता है? कौन आदमी आ गया नहीं आ गया ये तो विवाद का विषय नहीं है, ये सब कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत लंबा दूरी हो गई है, लंबा दूरी हो गई है तो उसको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। बाकी आशीर्वाद परमानेंट रहेगा, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक तेज तेजस्वी का आशीर्वाद रहेगा। तो आईबी टीवी के माध्यम से क्या बधाई ग्रुप में क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी को? बधाई, अच्छी शुरुआत करें, ऐसी परंपरा निभा रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, और जीवन साथी अच्छे चुने हैं इसके लिए भी धन्यवाद। पूरा खुशमय रहे, दोनों परिवार मिलजुल के रहे, यही हम कामना करेंगे। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल बताया जा रहा है, जो बचपन की जो है दोस्त है, तो आप लोगों को जानकारी थी क्या तेजस्वी जी बड़े होंगे तो इसी से शादी होगी उसकी, किसी कोई दोस्त है? नहीं, वो उतना तो बचपन की याद नहीं है, बाकी 10-12 साल पहले हमको कोई बताया था। क्रिश्चियन लड़की दिल्ली में रहती है, बराबर मिलती जुलती है, बाकी 10-12 साल की कहानी है, जब लालू जी रेल मंत्री थे उस समय का है। अच्छा, ये मतलब कहने करते रहता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का पुराना प्यार है ना? अब जो भी हो, अब सच्चाई क्या है नहीं हम क्या जानते हैं भाई, आपके माध्यम से अभी सुने हैं।
जी, तो आपके माध्यम से सुने हैं तो मैं वही ना बोलूंगा जो आपके आपने बताया। अभी तक कोई बताया नहीं, ना कोई फोन किया, ना कोई बात है। जी, लेकिन लेकिन एक एक बड़ी आपने बातें कही जो एक मामा के रूप में आपको ये चीजें की जानकारी अच्छी अच्छा लगा सुन के। जो भाई पहले से पता था जो दिल्ली में जो है इनकी कोई गर्लफ्रेंड है जो जो मतलब क्रिश्चियन है वो उनसे मिलती जुलती है, तो एक अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपने भी शुभकामनाएं दिया और शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुभाष जी। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी।